कालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव, श्राद्ध का भोजन करोगे? श्राद्ध का भोजन? पार्वती जी ने जैसे कहा तो शंकर भगवान बोले कि पार्वती तुझे मालूम नहीं है सर, जब किसी के भी घर में श्राद्ध होती है और वो चाहे घी और शक्कर का भी थोड़ा सा भाग कंडा जलाकर गोबरी जलाकर थोड़ा सा भी भाग अग्नि में छोड़ते हैं तो शिवजी कहते हैं सबसे पहला अंश पितरों के पास बाद में जाता है, पहला अंश मेरे पास आता है, फिर मैं उस अंश को पितरों के पास आहिस दे। दर्पण श्री महापुराण की कथा सुनने वाले जरा ध्यान से सुनिएगा महाराज। पहले भी कथा में कहा, एक रुपए कमा रहे हो, सवा रुपए खर्च चल रहा है, घर में कोई बीमार बना हुआ है, घर में कोई तकलीफ आ रही है, कष्ट आ रहा है, तो केवल एक काम करना है कि हमें शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित करना। परंतु श्राद्ध पक्ष के अंदर जैसे अन्य समय में 108 मनके की माला से हम जाप करते हैं, 108 बार भगवान का नाम लेते हैं, 108 बार भगवान का पूजन करते हैं, उसी तरह श्राद्ध पक्ष में जब हम शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाएं तो उसी जल को धीरे 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 27 बार भगवान शंकर को समर्पित करना चाहिए। कितनी बार? 27 या फिर 27 मनके की माला से जप करें। उसका फल क्या होगा? भगवान शिव अपने रूप रख कर इन पितरों को भाग देना चालू कर देते। भूल से भी 16 श्राद्ध के 16 दिन में से एक दिन भी अगर हमने एक ही पानी का कलश, एक ही लोटा, ऐसा नहीं कि तुम्हें 27 बार पानी भर के चढ़ाना, लोटा एक ही है, कलश एक ही है और उसको धीरे 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 कर 27 बार छोड़ दिया जाता है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर रोज हमारे पितरों को, रोज हमारे पूर्वजों को अगर हमने तर्पण भी नहीं किया है, जल भी नहीं दिया है और शंकर भगवान को 27 बार जल का भाग हम समर्पित करते हैं अपने पूर्वजों के लिए, तो हम नहीं भी दे पाए तो एक बार में हम 16 दिन का जल हम अपने पूर्वजों को प्रदान कर देते हैं। शिवजी कह रहे हैं मुझे भूख लगी और मेरा मन है कि पृथ्वी पर कहीं पर भी अगर श्राद्ध हो रहा होगा तो मैं भोजन कर लेता हूँ। तो पार्वती जी ने कहा तुम कहाँ भोजन करने जाओगे? शंकर भगवान बोले अयोध्या में जाऊंगा, अयोध्या में जाऊंगा और अयोध्या में जाकर आज मैं भोजन ग्रहण करूंगा। क्यों? आज दशरथ जी के यहाँ पे श्राद्ध है, मैं जाऊंगा। शंकर भगवान जाने की तैयारी करे, ब्राह्मण लोग जा रहे थे भोजन करने के लिए, मेरा ओबरदानी, मेरे शंभू, मेरे शंकर स्वयं एक ब्राह्मण का रूप रखकर भोजन करने के लिए अंदर प्रवेश कर गए। अब जब अंदर प्रवेश करे, जैसे ही अंदर प्रवेश करे, सब जितने ब्राह्मण थे सब भोजन करने के लिए बैठे, सबके लिए चांदी की थाली, स्वर्ण का कटोरा, सुंदर सुंदर पकवान आकर रखाए। मेरे भोले बाबा भी बैठ गए, मेरे भोले बाबा। अब देखिए शिव पुराण कहती है यदि श्राद्ध का भोजन, श्राद्ध के अंतर्गत जो भोजन बनाया जाता है वो भोजन घर की बहू अगर बनाती है, घर की माँ अगर बनाती है, घर की नारी अगर भोजन बनाती है
तो आधा भाग जो ब्राह्मण ने भोजन किया है वो आधा भाग का भोजन, तो जिस ससुराल पक्ष में बेटी भोजन बना रही है उसके ससुराल के भाग को प्राप्त होता है और आधा भोजन का फल बेटी के मायके वाले को प्राप्त हो जाता है कि उसने भोजन करा। Thank you.
पंडित जी एंड कब होगा? तो पंडित जी बोले अभी तो शुरुआत है, महात्म चालू होगा, टेलर चालू होगा, ठीक है। अब उर्मिला जी दौड़ कर फिर सीता जी के पास, जी 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 बोली क्या बात है कि वो तो अभी तुम एंड में पानी लेंगे। तो सीता जी बोली ले जा और ले जा, पूरी ले जा, कचौड़ी ले जा, भजिया ले जा, मालपुआ ले जा, खीर ले जा, सब ले जा ले जा। फिर भगवान खाली होते गए, बर्तन खाली होते गए, सीता जी ने फिर सुदकीर्ति को बुलाया। सुदकीर्ति इधर आओ। सुदकीर्ति ने बोला हाँ जी जी जी, जाओ जरा पंडित जी से पूछ कर आओ भोजन कैसा बना। पंडित जी के पास सुदकीर्ति जी गई, प्रभु भोजन कैसा बना? पंडित जी बोले भोजन तो क्या जोरदार बना है, पूछो ही मत। पानी लिया हूं, शंकर जी बोले एंड में ले ले। जैसे सुदकीर्ति जी अंदर गए, सीता जी ने पूछा उठ गया? सुदकीर्ति जी बोली वो तो अपन सबको उठा के उठ देगा, कोई ऐसे उठने वाला अभी तो बैठा है। कई मैया आ गई, कई जी ने पूछा सीता तुम्हारे सिर पर पसीने की बूंद जमी हुई है, श्राद्ध चल रहा है ससुर का और तुम्हारे सिर पर पसीने की बूंद, कोई दिक्कत है क्या? नहीं मां, एक ब्राह्मण भोजन करने बैठा है। केकई बोली वो तो सब ब्राह्मणों के साथ बैठा था। हाँ मामा, पांच बार की पंगत उड़ गई पर अभी तक वो नहीं उठा। मामा तो अब तो सवेरे का भोजन चल रहा है 10 बजे का, दोपहर की 2-3 बज गई, अब तो उठने वाला होगा, जाओ थोड़ा उड़ दिया। तो सीता जी बोली दे तो आती माँ, पर भंडारे में भोजन की कमती हो गई। भोजन की कमती, एक काम करो डबल से बनाओ। सीता जी बोली 6 बार बना चुके हो, अब अंदर का पूरा माल निकल के लग गया। केकई तुरंत आवाज लगाकर बोली द्वार वालों से कहो बाजार में से सामान लेकर आए, और सीता फिर भोजन बनाओ। सास ने आवाज लगाई कि बाजार से भोजन लेकर आओ जिमा। इतने में सारे द्वारपाल भागे और बाजार से भोजन ले लेकर आने लगे। जब आटे की बोरियां बाजार से आने लगी और शंकर जी के सामने अंदर जाने लगी, इतने में शंकर भगवान ने रोक कर पूछा रुको रुको क्या ले जा रहे हो अंदर? तो क्या अभी आटा ले जा रहे हैं, उसने का फिर पूरी बन के तुम्हारे पास आएगी। इतने में पंडित जी बोले, शंकर भगवान जो पंडित के वेश में थे वो बोले अंदर ले जाने की जरूरत नहीं है, तुम तो यही डर दो, इतना अंदर जाएगा फिर वापिस आएगा फिर मैं खाऊंगा, उससे अच्छा यही पर रख दो तुम तो, मैं आराम से खा लूंगा। आटे की बोरी रख दी, बेसन की बोरी रख दी, मैदे की बोरी, रवे की बोरी, घी तेल शक्कर सब ला ला के रख दिया और भोलेनाथ जी खाना चालू कर दिया। खाते गए खाते गए खाते गए खाते गए, उठे नहीं। इतने में सीता जी की आंख में जल भर गई। कौशल्या जी ने पूछा जानकी तुम रो रही हो, आज ससुर जी के यहाँ का श्राद्ध है और घर की बहू रोए, अच्छी बात नहीं है, तुम क्यों रो रही हो, क्या हुआ तुमको? इतने में सीता जी बोली माँ एक पंडित भोजन करने बैठा है तो उठ नहीं रहा, पानी का पूछो। सीता जी बोली अब की बार मैं ही जाता। सीता जी हाथ में जल लेकर पहुंची ब्राह्मण देवता, अगर आपका आधा हो गया हो तो पानी थोड़ा सा पी लीजिए। इतने में ब्राह्मण देवता बोले आधा तो होने दो, जब आधा होगा मैं पी लूंगा। सीता जी ने मन में सोचा अभी तो आधा ही नहीं हुआ और अपन तो एंड की तैयारी कर रहे। सीता जी दो तीन अपनी आंख में जल भर कर भगवान राम जी के पास पहुंचे। राम जी महाराज तो बड़ी मस्ती में बैठे हुए थे, तुरंत सीता जी को कहा जानकी भोजन ब्राह्मण जी के चले गए। सीता जी बोली सब चले गए, एक ही बैठा है, उठ नहीं रहा। तो उसका अच्छे से जिमा। सीता जी बोली सारा सामान जिमा दिया, भंडार का सामान जिमा दिया, सूखा जितना रखा था वो जिमा दिया, दुकानों पे से लाकर अंदर तो आया ही नहीं, बाहर निपटा गया। तो राम जी बोले फिर
सीता जी बोली अब आप बताओ क्या करें। राम जी बोले बोले मुझे देख ले तो कि भोजन करने बैठा कौन है। मेरे राम जी जो जाकर झरोखे में से झांके झांके से पहचान गए कि आज मेरे महादेव अकेले नहीं 33 कोटि देवी देवियों को अपने अंदर बिठा कर भोजन कर रहे। आज मेरे महादेव 33 कोटि देवताओं को अंदर बिठा कर भोजन कर रहे। तब सीता जी को आवाज लगा कर कहा अब तू मत जा, जो ज्यादा एक्शन मारे ना तो कुछ मत करो, जो पार्टी में ज्यादा इतराए उसकी पत्नी को लाके खड़ा कर दो, फिर देखो बापड़े को। तुरंत चुप साइलेंट, फिर हंसेगा भी नहीं और हंसेगा भी तो ही उसको दे दे रहा। इससे ज्यादा हंसेगा भी नहीं। अंग्रेजी में पति को हस्बैंड कहते हैं। हस्बैंड वो बैंड गलत हो गया, गलत था हस्बैंड, हंसने पे बैंड और वो बैंड गलत है। अब शिवजी जी को देखकर राम जी ने कहा तू टेंशन मत ले सीता, रुक जा अब, तो रुक जरा, मैं अभी आमंत्रित करता हूँ। और भगवान राम ने माँ जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती का आह्वान किया, हे माँ पधारो, स्वामी भोजन कर रहे हैं और माता के बिना भोजन हो जाए ये श्रेष्ठता नहीं है। पार्वती जी ने कहा मेरे स्वामी, हाँ हाँ ऐसे हैं जिनका नाम बार बार नहीं लिया जाता। पहला एक सौभाग्यवती नारी अर्धांगनी पत्नी अपने अपने पति का नाम बार बार अगर लेती है तो तिल भर उसकी उम्र घटती है और उसके शरीर में रोग प्रारंभ होता है, गर्भ संहिता में बढ़ना है। दूसरा घर की माँ ज्येष्ठ पुत्र का नाम बार बार लेती है तो वो ज्येष्ठ पुत्र को जीवन में दुख बहुत झेलना पड़ता है। ज्येष्ठ पुत्र घर का बड़ा बड़ा पुत्र, हाँ अगर घर में बड़ी बेटी है उसके बाद पुत्र है तो वो ज्येष्ठ नहीं कहलाएगा। बड़ी बेटी है तो बेटी का नाम माँ बार बार ले सकती है, पर ज्येष्ठ पुत्र जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, आप अपने घर के बड़े बेटी को देखना, उसके घर की माँ अगर बड़े बेटे का नाम बार बार लेकर पुकारेगी, कृष्ण राम कुछ भी जो उसका नाम है, हरि कृष्ण जय नारायण जो नाम है उसका, उसको माँ बार बार लेकर पुकारेगी। ज्येष्ठ पुत्र का नाम जब माँ बार बार लेकर पुकारती है तो ज्येष्ठ पुत्र को तीन तकलीफों से गुजरना ही पड़ता है, एक तन दुखी, दूसरा मन दुखी, तीसरा धन दुखी। या तो वो तन से कष्ट में होगा, या मन से कष्ट में होगा, या धन से कष्ट में होगा, उसका जीवन थोड़ा ना थोड़ा संघर्ष में निकलेगा। क्यों? क्योंकि माता का फर्ज है कि ज्येष्ठ पुत्र का नाम बार बार मुख से ना लिया जाए। अगर ज्येष्ठ पुत्र को बड़े पुत्र को माँ को बुलाना है तो उसके नाम से ना बुलाते हुए कोई उपनाम कोई साधारण सा नाम माँ को अपने बेटे का रख देना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ पर जो बड़ा बेटा होता था ना तो उसको माए बड़े प्रेम से हर कुछ बोल देती थी, ये तो कल्लू है, ये तो लल्लू है, ये तो पप्पू है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा, कुछ भी उसका नाम माँ कुछ भी अपने मन से रख देती थी। क्योरे कनवा क्योरे काना माँ उसका नाम रख देती थी, क्योरे रघु क्योरे रघु माँ उसका नाम कुछ भी रख देती। सौभाग्यवती नारी अपने पति का नाम देती है दिल भर उम्र घटती, दूसरा माँ अपने ज्येष्ठ पुत्र का नाम बार बार ना ले उसका नाम परिवर्तित कर दे, ये मेरा लाला है, नाम कुछ भी हो ये लाला है, ये काना है, उसका नाम चेंज कर दे, बदल दे बोलते समय बार बार। अगर ज्येष्ठ पुत्र का आप भी देखना ये
शास्त्रों के जो सुख हैं आप अपने घर में देख सकते हैं, आप अपने घर में अनुभव करना। जो घर का बड़ा बेटा पुत्र होता है वो थोड़ा ना थोड़ा कष्ट सहन करना ही पड़ता है। तीसरे नंबर पर गुरु का नाम, शिष्य गुरु के नाम का स्मरण अर्थात गुरु मंत्र का स्मरण करें। बार बार आप बोल सकते हो ये हमारे गुरु जी हैं, ये हमारे गुरु जी हैं, साबो अशोक नगर में रहते हैं, साबो गुना में रहते हैं, साबो शिवपुरी में रहते हैं, साबो वहां रहते हैं, आप कह सकते हो ये हमारे गुरु जी हैं, उस मठ में रहते हैं, वो हमारे गुरु जी। आदमी पहचान जाएगा। क्या नाम लेना गुरु का जरूरी है कि वो कमलकांत जी, वो राम किशोर जी, ये हमारे नाम गुरु का नाम। अगर तुमने गुरु मंत्र लिया है, आप गुरु दीक्षा ग्रहण कर रहे हो, तो गुरु के नाम का स्मरण भी गुरु मंत्र का स्मरण करो। पर गुरु का नाम बार बार अपनी जिज्ञासा से नहीं कि मेरा मेरा गुरु तो ये नाम है, उनका ये नाम है, मेरे ये नाम है, ये नाम है, हरि कृष्ण नाम है, तो जय नारायण नाम है, तो राम कृष्ण नाम है। नहीं नहीं नहीं, वो मेरे गुरु है, बस गुरु पद पद मूल है। पार्वती जी ने पूछा कौन हो? मेरे स्वामी। हाँ हाँ हाँ, मेरे स्वामी भोजन कर रहे हैं। हाँ हाँ, जैसे सुना पार्वती जी ने, और सुनकर माता पार्वती तुरंत कहती हैं, आप चिंता मत करो राघव जी, मैं अभी आ गया। और पार्वती मैया ने नाक में बड़ी सी नथनी पहनी, सुंदर मोती की लड़ लगी है, कानों में झुमका पड़ा है मेरी माता के, सिर पर लाल बिंदी बड़ी सारी, होठों पर लाली, नैनों में सुरमा, मस्तक पर गजरा, और माता के हाथों में सुंदर मेहंदी लगी हुई है, पांव में महाभूर लगा हुआ है। मेरी माँ सुंदर टोकनी लेकर सामने खड़ी हो गई, और खोले ना तो खाने में लगे थे, उनका ध्यान गया नहीं कि मेरे सामने कौन खड़ा है, और उन्होंने एक बड़ा सा लड्डू निकाल कर चूर में का शंकर जी की पत्तल में रख दिया। शिव जी ने जो लड्डू खाया, खाते से शंकर जी को लगा ये तो कोई पहचान वाला है। बहुत चतुर होती है माता, भी बैठी रहती है ना, एक जरा सा गाड़ी का हारन बजता ना, उतने में पहचान जाती है भेरुआ क्या है। तुरंत कि वाया गाड़ी का हारन बजा, हारन से पहचान जाती है। पति बोलेगा तेरे चक्कर में तो जल्दी में
कोई आ गया और सेल्फी लेने लगा तो आप खड़ी कर दे, तू चले ले। अब बड़ी उड़ी छप छप शिव जी के सामने माता पार्वती बोली कितने ले लो और रखो। शंकर भगवान बोले एक में हो गया पार्वती, पर एक बात बता तू यहाँ कैसे आ गया। पार्वती जी बोली तुम मेरे स्वामी हो, आदि शक्ति हूँ मैं, मुझे जो आमंत्रित करता है मैं जाती हूँ। राम जी ने मुझे बुलाया, आप उठ नहीं रहे थे। शिव जी ने कहा आपने मुझे अन्नपूर्णा बनकर भोजन दिया, श्राद्ध में अन्नपूर्णा बनकर भोजन दिया, बुलाओ राम सीता को। राम सीता आए, शंकर भगवान ने वर दिया, सुनो सीता सुनो जानकी माँ, श्राद्ध पक्ष में जिसके घर में भोजन बनता है पूरे 16 दिन में से अगर एक दिन भी कोई श्राद्ध का भोजन किसी के घर में बनेगा वर्ष भर उसके घर में कभी अन्नपूर्णा की कमी नहीं आएगी, ये मेरा वर है। श्राद्ध नहीं कर सकते तो किसी एक का श्राद्ध, कोई दादा गया हो, परदादा गया हो, कोई पूर्वज गया हो, उसके निमित्त का भोजन घर में बनना चाहिए। और किसी विद्वान ब्राह्मण जो गायत्री करता हो, संध्या करता हो, भजन करता हो, कीर्तन करता हो, मंत्र जाप करता हो, किसी में कोई ऐब ना देखता हो, कोई निंदा नहीं करता हो, ऐसे ब्राह्मण जन को भोजन करा देना चाहिए, वो जीव भी तर जाए और अपने को भी आनंद की अनुभूति हो जाए। ऐसी चीज की महाराज धीमा बजाओ, जितनी देर कथा में बैठो उतनी देर बाबा से विनय कर कर जाना कि बाबा मेरे मन की अभिलाषा है, मैंने सुना है कि तू 3 महीने में पूरी कर देता है, मैं भी कथा सुनकर जाऊं और अगली कथा में मेरा भी पत्र पहुंचे, ऐसी कृपा कर देना और मेरा कार्य सफल। सुनता है अवश्य, अशोक नगर की धरा पर नहीं कर रहे, पहले की कथाएं टीवी पर डली हुई है, कोई भी कथा डिलीट नहीं हुई है, एक एक कथा को उठा कर देखना। उज्जैनी के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर की दीवार पर पत्थर से खुदाई करके लिखा हुआ है कि शिव महापुराण की कथा जिस क्षेत्र में होती है उस क्षेत्र के 500 किलोमीटर के क्षेत्र में अगर कोई गर्भ में मर गया, अधोगति में मर गया, बहुत तमन्ना थी कहीं सुसाइड कर कर किसी कारणवश मर गया, एक्सीडेंट होकर मर गया, तो ऋण मुक्तेश्वर मंदिर उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर की दीवार पर लिखा है कि केवल शिव महापुराण कैसी है तो 71 पीढ़ी को तार देती है, तो कोई साधारण है। शंकर की भक्ति, शंकर का स्मरण, शंकर का गुणगान तुम दिल से, हृदय से, चित्त से, मन से मांगो तो देगा, हृदय से। देवराज पत्नी के लिए कमाता शिव देते, बच्चों के लिए कमाता शिव देते, परिवार भाई बंधु कुटुंब के लिए कमाता शिव देते, संसार के कल्याण के लिए परमार्थ के लिए कमाता शिव देते। पर जब व्यक्ति व्यसन में गलत चीज में डूबने लगता है, गलत मार्ग में जाने लगता है, तो भगवान धन से हाथ खींचना चालू करते हैं, फिर जीवन बेकार हो जाता है। का काम सत्कर्म करते रहिए, देने में कमी नहीं आई। जिस कुएं में पानी भरा ही रहता है वो कुएं में एक दिन बदबू आने लगती है,
जिस कुएं से पानी निकलता रहता है उसमें दूसरा पानी आता रहता है। धन संपदा भगवान दे तो उसको सत्कर्म में लगाने का प्रयास करो, आता रहे, कमी नहीं पड़े। सत्कर्म की तीसरा, यदि
थोड़ी सी देर के लिए हमारे पितृ या हमारे पूर्वज जो मरे गए हैं वो हमें थोड़ी सी देर के लिए दिखे और अचानक ओझल हो गए, समझ लेना कि कोई क्षण भर की समस्या हमारे सामने आएगी, उससे हमें घबराना नहीं है। और चौथा, किसी पेड़ पर या घर के अंदर, घर के बाहर, घर के अंदर या किसी वृक्ष पर हमारे पूर्वजों को हमने स्वप्न में देखा है, तो समझ लेना कि हमारी उन्नति की सीढ़ी बढ़ने वाली है, कोई अच्छा काम हमारी ओर। अब कई लोग कहते हैं हमारे को पितृ दिख रहे हैं, हमारे मरे हुए दादाजी दादी जी वो मर गए तो हमको दिख रहे हैं, गुरु जी कैसा होता है। शिव महापुराण की कथा करती है, गर्ग संहिता करती है, स्कंद पुराण करती है। आप ध्यान तो दो कि पूर्वज पितर कभी बुरे नहीं रहते, कभी बुरे। काम केवल देने का, मृत्यु लोग चंद्र लोग, चंद्र लोग के ऊपर है पितर लोग, पितर लोग कहां पर है, चंद्र लोग के। पितरों का काम क्या है, पितरों का कर्म है क्या, जब कोई मर जाता है इसको दूसरे शरीर में भेजा जाता है जीवात्मा को, उस जगह पर पितर क्या करते हैं, पितरों का काम क्या है, पितरों का कर्म क्या है। भगवान विष्णु का काम है, ब्रह्मा जी को आदेश दिया, ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण करा, शिव जी ने समय समय पर इसका वर्णन कर संहार किया। पितरों का कर्म क्या है, पितरों का सबसे बड़ा कर्म है जिस समय पर ये जीव आत्मा दूसरे शरीर में दी जाती है उस समय पर पितर खड़े होकर अपने कुल के उस जीव का निर्माण करवाते हैं और उसको शरीर दिलवाते हैं। अगर कोई हाथ से, पैर से, आंख से, कान से, शरीर से कोई विकलांग अगर जन्म लेता है, माता के गर्भ से कोई बच्चा जन्म लिया, उसका पांव ठीक नहीं है, उसका हाथ ठीक नहीं है, उसका कान ठीक नहीं, चेहरा ठीक नहीं, आंख ठीक नहीं, मुंह ठीक नहीं, तो ये कोई दूसरा नहीं करता, ये हमारे पितृ करते हैं। जब वो निर्माण करवाते हैं तो देखते हैं कि पूर्व समय में इसने क्या कर्म करा है, तो इसको शरीर कैसा मिलना चाहिए, शरीर का स्मरण कैसे हो। जरा सी गलती गांधारी से हो गई थी और वो गांधारी को भोगना पड़ा था, छोटी सी गलती। पूर्व समय में गांधारी सबसे सुंदर, पूर्व समय में गांधारी सबसे सुंदर नारी थी, बहुत सुंदर, उसकी सुंदरता का मखान जगह जगह पर चलता था। एक हाकिम ने आकर कह दिया, महारानी जी आपके लिए एक औषधि बनाना चाहता हूं, ऐसी औषधि जिसको तुम तुम्हारे चेहरे पर लगा लोगी तुम जिंदगी में कभी बूढ़ी नहीं होगी, तुम सुंदर बनी रहोगी महारानी जी, कहो तो औषधि बना दो। हाकिम के कहने पर राजकुमारी ने कह दिया औषधि बनाओ, पर हाकिम ने कहा औषधि तो बना दूंगा पर इसमें थोड़ी सी हिंसा होगी, आप समझ सकती हैं। महारानी ने कहा कैसी हिंसा, मुझे कोई मतलब नहीं, तुम तो भले हिंसा हो पर दवाई बनाओ, औषधि बनाओ। गांधारी पूर्व समय की जो रानी थी उसने हाकिम से कहकर औषधि बनाई, क्या चाहिए औषधि बनाने के लिए, तो कासो केचुए चाहिए, सो केचुए, इन केचुओं का क्या करोगे, उसको पीस कर दवाई उसी में मिला कर दूंगा जिसको आप अपने चेहरे पर लगाना, आप कभी बूढ़ी नहीं दिखोगी। राजकुमारी ने कहा 100 केचुए लाए जाएं और दे दिए जाएं, 100 केचुओं को लाकर हाकिम
राजकुमारी से पिसवाया और उसमें दवाई मिलाकर राजकुमारी को दी। राजकुमारी ने चेहरे पर लगाया, भले पूरी नहीं हुई पर अगला जन्म जब गांधारी का आया, आंखों पर पट्टी बंधी है, पुत्र मर चुके हैं। गांधारी कृष्ण से कह रही है, मुझे अपने बेटों का एक बार दर्शन करा दे। मैंने अपने बेटों को नहीं देखा, मैंने सुना है मेरे सारे के सारे बेटे मर गए, तो एक बार मिला दे। गांधारी को पकड़ कर भगवान कृष्ण ने युद्ध के मैदान में कुरुक्षेत्र में ले जाकर खड़ा कर दिया। गांधारी से कहा, पट्टी खोलो आंखों की। गांधारी ने आंखों की पट्टी खोली तो सामने एक बोर का बेर का पेड़ दिखा, एक बेर का पौधा, एक बोर का जो बेर हम खाते हैं उसका पौधा नजर आ गया। और पौधा दिखते से ही तुरंत गांधारी ने बेर तोड़ना चाहे, पर बेर को ऊंचे लगे थे। गांधारी ने एक शव को उठाया, दूसरे शव को उठाया, तीसरे शव को उठाया, शवों का ढेर लगाया। गांधारी उस पर चढ़ गई और बेर तोड़कर खाने लगी। खाने के बाद गांधारी को याद आया कि मुझे तो अपने बेटों से मिलना है जो मर गए। कृष्ण से कहा, आना, मेरे बेटे कहाँ हैं? कृष्ण कहते हैं, गांधारी काकी, जो आपके पांव के नीचे मसले जा रहे हैं ये आपके बेटे ही हैं। गांधारी कहती है, मेरे बेटों की ये दशा कैसे हो गई? मैंने कोई पाप नहीं करा, मैंने कभी कोई गलत कर्म नहीं करा, दशा हुई कैसे है? भगवान कृष्ण ने कहा, गांधारी काकी, पूर्व समय में तुमने 100 केचुओं को मलवाया था, वो 100 केचुए आज आपके सामने मले हुए पड़े हैं। जैसा दूसरे के साथ करोगे वैसा भोगने के लिए तैयार हो। इसलिए हमेशा याद रखो, मत बुरे कर्म कर, मत बुरे कर्म कर, वरना पछताएगा भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी, मत कर पर बांध कर ले जाते हैं तो शमशान के पहले थोड़ा उसको नीचे उतार देते हैं। बोलो रे, सही है कि गलत है? थोड़ा रोक देते हैं, विश्राम देते हैं मुर्दे को, अर्थी को। बच्चों ने पूछा, यहाँ अर्थी को क्यों रोका, यहाँ मुर्दे को क्यों उतारा? तो कहा, यहाँ विश्राम देना पड़ता है। बच्चों को ये नहीं बताया कि मुर्दे को विश्राम क्यों दिया जाए, बच्चों को ये नहीं बताया कि अर्थी को क्यों उतारा जाए, क्योंकि हमने शिव महापुराण में वर्णन मिलता है कि देवराज नाम का ब्राह्मण बेलपत्री के पेड़ के नीचे प्राणों को त्यागा था तो उसको कैलाश धाम मिल गया था। शमशान ले जाने से पहले मुर्दे को एक पेड़ के नीचे इसीलिए रोका जाता है, वो पेड़ किसी और का नहीं होता, वो वृक्ष बेलपत्री का होना चाहिए जिसके नीचे मुर्दे को रखा जाए, जिसको कैलाश धाम मिल जाए। कितना भी पापी हो, बस हमने बच्चों से कह दिया विश्राम देते हैं, मुर्दे को रोकते, पर ये नहीं कहा कि विश्राम कहाँ देना है, किस जगह पर देना है। ध्यान दीजिएगा, जिसको लग रहा है कि मेरे घर में किसी ने बंधन है, या मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा विकास नहीं हो रहा, मेरी उन्नति की ओर नहीं बढ़ पा रहा, सारे उपाय कर लिए और मैं उन्नति की ओर नहीं बढ़ रहा, तो श्राद्ध पक्ष चल रहा है। 16 दिन श्राद्ध के चल रहे हैं, जितने दिन निकल गए निकल जाने दो, जितने दिन बचे हैं एक छोटी सी कटोरी में गंगा जल, थोड़ा सा जल,
बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और थोड़ा सा वही जल बचाकर शंकर भगवान पर चढ़ाना प्रारंभ कर दो। ये 16 लिंग निकलेंगे, आपको खुद नवरात्रि में अंदर मालूम पड़ जाएगा कि उन्नति की ओर बढ़ना प्रारंभ करा कि नहीं करा। थोड़े से जल में गंगा जल मिलाकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे डालिए और थोड़ा सा जल देवाधिदेव देव महादेव उसी कटोरी का जल, उसी पात्र का जल, उसी कलश का जल, चाहे तो आप कटोरी में ले जाओ, चाहे तो आप गिलास में ले जाओ, चाहे तो आप तांबे के पात्र में ले जाओ, चाहे तो आप कलश में भर कर ले जाओ, या रोज जल चढ़ाने जाते हैं उसमें थोड़ा गंगा जल डाल के ले जाओ। पहले बेलपत्री के पेड़ में नीचे चढ़ा दिया, उसी जल को ले जाकर थोड़ा सा बचा हुआ शिव जी को चढ़ा दिया। बाबा से विनती कर ली, बाबा हमारी उन्नति नहीं हो रही, बड़े दुखी हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे, बहुत कष्ट में हैं। बाबा अभी जितने दिन बचे उतने दिन तो चढ़ा, उतने दिन तो समर्पण कर। समय आया है, देवराज के बारे में कथा आती है, बिंदुग नाम का ब्राह्मण, इसने भी गलत कर्म करा और दीवार से कूद गया, पानी में जाकर डूब गए हैं। तीन तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं है, पहला पानी में डूब कर मरा हुआ, दूसरा स्त्री के हाथ से मरा हुआ, तीसरा सर्प के डसे से मरा हुआ। इनकी मुक्ति नहीं होती कभी भी। सुन लो अशोक नगर वालों, ध्यान से, मरने का भी प्लान बनाओ तो पानी में डूब के कभी मत मरना। किसी किसी को मन में आता है कि मैं सुसाइड करूं, तो निवेदन है कि थोड़ा चेंज कर, ओल्ड फैशन है कुएं में डूब के मरना, पानी में डूब के मरना, कुछ न्यू फैशन लेकर, हमें नहीं मरना पानी में डूब कर। न्यू फैशन कैसा था? बस अब तो जैसी जिंदगी मिली है इसको निभाऊंगी, भगवान का भजन कीर्तन स्मरण करूंगी और उसका भजन करते करते मर जाऊंगी, पर पानी में डूब के नहीं मरूंगी। क्यों मरना पानी में डूब के? बिंदु पानी में डूब कर मर गया तो प्रेत योनि में पड़ गया। चंचुला देवी ने कथा श्रवण करने का मन में विचार करा, भगवान देवाधिदेव महादेव से निवेदन करा, हे भोलेनाथ कृपा करिए, हे शंभु करुणा करिए। तब देवाधिदेव महादेव ने माता पार्वती के साथ ईश्वर जी और गोरा जी बनकर पहुंचकर महापुराण की कथा का रस स्वादन किया। जो कथा के यजमान होते हैं